लखनऊ हादसे का जिम्मेदार कौन? बिल्डर, प्रशासक, पुलिस विभाग या फिर नगर पालिका? लखनऊ के हजरतगंज के वजीर हसन रोड पर एक 5 मंजिला अपार्टमेंट ढह गई है। कई लोगों के दबने की सूचना। मौके पर पहुंचे डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, पहुंची एसडीआरएफ की टीम, एसपी एसडीआरएफ सतीश मिश्रा भी मौके पर मौजूद। अभी तक बिल्डिंग के मलबे से 14 लोगों को निकाला जा चुका है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 अभी मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के तल मंजिले पर अवैध निर्माण जारी था। अवैध निर्माण कार्य के चलते ही बिल्डिंग के नींव कमजोर हो गई और इमारत गिर गई। जानकारी के अनुसार यह बिल्डिंग पूर्व मंत्री और सभा विधायक शाह मंजूर के बेटे नवाजस मंजूर की है, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। यजमान बिल्डर अभी भी फरार बताया जा रहा है। हमारा मुद्दा लखनऊ।